बुरहानपुर में एक अनोखा रोड है जिसे स्थानीय लोग डांसिंग रोड के नाम से बुला रहे हैं। यह रोड 3 किलोमीटर लंबी है और इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहां से गुजरने वाले वाहन बड़े बड़े गड्ढों के कारण हिचकोले खाते हैं, जिससे वाहन चालक और उनके साथ बैठे लोग डांस करते हुए नजर आते हैं। इस सड़क की स्थिति पर कई बार जिला प्रशासन को सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय निवासी संदीप ने बताया कि यह रोड इतनी खराब हो गई है कि वाहन चालक अपने वाहनों पर चलते चलते डांस करते हुए दिखते हैं। लोगों ने इस सड़क को डांसिंग रोड का नाम दे दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वाहन चालक किस तरह से गड्ढों के बीच अपने वाहन चलाते हैं। जिला अस्पताल के प्रांत आंकड़ों के अनुसार पिछले एक महीने से इस मार्ग पर गड्ढों के कारण 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। वाहन चालकों के लिए यह मार्ग खतरनाक साबित हो रहा है और हादसे बढ़ते जा रहे हैं। यह समस्या विशेष रूप से शनवारा चौराहे से लालबाग रेलवे स्टेशन तक के मार्ग पर सबसे ज्यादा है। यह मार्ग पिछले 5 महीने से खराब स्थिति में है और प्रशासन द्वारा इसे ठीक करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में कलेक्टर भव्य मित्तल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग को गड्ढे भरने के निर्देश दिए गए हैं और इस दिशा में काम शुरू हो गया है। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। इस डांसिंग रोड की स्थिति में बुरहानपुर के निवासियों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अब इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग कर रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं और चोटों से बचा जा सके।